एवरीवन वन गुड इवनिंग कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो जी बुधवार का दिन है और तारीख है 19 दिसंबर और अभी शाम के पाँच बज गए होंगे तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपना कुछ हेयर स्टाइल जो कि मुझे आता बिल्कुल भी नहीं है तो थोड़ा सा कोशिश करी और वो भी फेल हो गई तो देखिए वापस से थोड़ा चेक कर रही थी मैं कुछ बनाने का पर मेरे से ना बिल्कुल नहीं बन पाया और फिर वही अपना नॉर्मल सा जो हेयर स्टाइल होता है बस बाल खुले रखो या तो जूड़ा बाँधो और फिर नीचे से रबड़ लगा लो बस फिर लास्ट में उसी में आ गई तो काफ़ी देर से मैं मेहनत कर रही थी पर मेरे से नहीं हो पाया फिर मैंने अपने ने नॉर्मल सी चुटिया बना ली है और फिर आ गई हूं मैं बैलकनी में यहाँ पे ब्लैंकेट था एक जो मैंने सूखने के लिए रखा था तो इसको ना रात को दीवार के साइड को मुझे लगाना पड़ता है क्योंकि दीवार के उधर हमारा थोड़ा गैप हो रखा है ना अभी जहाँ मेरे बेड लगा हुआ है तो वहाँ से नीचे गिरने का डर रहता है तो इसको मैं लगा देती हूँ और ऐसे ठंडा भी नहीं लगता थोड़ा सा तो इसलिए ये दीवार के हमारे सिलन आ रही है दीवार पर तो उसकी वजह से थोड़ा सा गीला सा हो जाता है और तो इस वजह से मुझे इसको डेली सुखाना पड़ता है शाम को तो देखिए यहाँ पर वहाँ पर बस मतलब पेंट वगैरह का काम करना था तो बस अभी हो नहीं पा रहा है कुछ बाथरूम में ना किच का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसकी वजह से वहां पे पेंट करना अभी रह गया है और मैंने अपने लिए चाय रखी थी जब तक मेरे बाल वगैरह बने तो मेरी चाय बन गई थी जैसे ही मैंने अपनी चाय रखी कप में फिर मुझे याद आया कि मैंने दिया बाती नहीं करी है तो फिर मैंने अपनी चाय वापस से ढक दी है और मैं आ गई हूँ दिया बाती करने तो शाम को आजकल दिया बाती का टाइम ना पाँच साढ़े तक मैं दिया बाती कर देती हूँ थोड़ा सा अगर बाहर लगता है कि अंधेरा होना शुरू हो गया है तो मैं दिया बाती जो है वो कर देती हूँ और दिया बाती करने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर तो एक साइड बिट्टू पढ़ने बैठी है दूसरे वाले रूम में और यहाँ पर मैं सब्ज़ी कट करूँगी तो चाय पीने के साथ साथ सब्ज़ी भी मैं कट कर लूँगी तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी जो है अपने रात के कामों को निपटा लूँ ताकि फिर ठंड होती है ना फिर आजकल मन नहीं करता ज़्यादा देर तक किचन में रहो फिर अपना आराम से अपना ब्लैंकेट वग़ैरह ओढ़ लो और फिर अपना आराम से मैं बैठ जाती हूँ घर में मतलब बेड के अंदर बेड में ब्लैंकेट वग़ैरह ओढ़ के तो देखिए यहाँ पे मैं बनाऊँगी गोभी की सब्ज़ी तो हस्बैंड आजकल दो तीन दिन से खाना नहीं खा रहे हैं तो इस वजह से बस डिनर का ऐसे ही चल रहा है कुछ खास हो नहीं पाता बनने का और बच्चे ना सब्जी कुछ खाते नहीं है तो अपने लिए ही बनानी है बैंगन की सब्जी सॉरी गोभी की सब्जी तो सब्जी वगैरह मैंने कट कर दी है और यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन रखे हुए थे तो मैं बाल्टी भर के बाथरूम में पानी रखा हुआ था तो मैं वो ले आई थी बाल्टी को ताकि मैं उससे बर्तन धो दूँ क्योंकि नल पर पानी नहीं आ रहा था और जब तक मैंने बर्तनों पर साबुन वगैरह लगाया तब तक हमारा पानी जो है वो आ गया था तो बर्तन जो भी थे वो मैंने वॉश करके रख दिए हैं अलग और यहाँ पर सब्जी का मसाला जो है वो पक गया था फिर मैंने उसमें डाल दी है गोभी तो उसको रख दिया है पकने के लिए और यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं ऑफ़िस से उनको पीनी थी ग्रीन टी तो बस उनके लिए ग्रीन टी बना दी है जल्दी से उनको उनकी ग्रीन टी दे देते हैं और आज आप सबके साथ एक अच्छी सी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ तो जो कि सर्दियों में हर किसी के घर में बनता ही होगा और सर्दियों में यही नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया मुझे तो यही लगता है तो आप लोग समझ गए होंगे गाजर देखे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ तो जी हाँ आप लोग बिल्कुल सही समझे मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा जो कि मेरे को काफ़ी दिन से मन हो रहा है खाने का तो मैं बस वेट कर रही थी कब लाऊँ कब लाऊँ मैं गाजर तो गाजर हस्बैंड ना मार्केट से लेके नहीं आए थे मैं उनसे बोल बोलना मतलब भूल गई थी गाजर लेके आना तो यहाँ पे मैं आज बच्चों को लेने स्कूल से गई ना तो मैं एक किलो गाजर लेके आ गई थी मैं ज़्यादा लेके नहीं आई फिलहाल मैं एक किलो का ही बनाऊंगी क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा मेरा खाते नहीं है तो देखते हैं खाएंगे भी या नहीं खाएंगे क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं हर चीज़ को नहीं खाना है नहीं खाना है और मैं खाऊँगी और हस्बैंड भी बोल रहे थे कि मैं चीनी डाल के नहीं खाऊँगा हलवा तो उनके लिए फिर मुझे अलग से थोड़ा सा गुड़ डाल के बनाना पड़ेगा मुझे नहीं पता कि बोर डाल के कैसा होगा पर उन्होंने बोला है कि जैसा भी होगा पर मेरे लिए चीनी मत डालना तो मैं उनके लिए थोड़ा सा बना दूंगी क्योंकि घर में कोई अच्छी सी चीज़ बनती है तो सब खा लेना तो लगता है कि हाँ हमने भी खा लिया तो चलिए यहाँ पर गाजर में ले आई थी यहाँ पर मैं इनको ग्रेट कर दूंगी सबसे पहले तो ये देखिए मैंने सारे गाजरों को ग्रेट कर दिया है और फिर हम जाएंगे किचन की तरफ फ़िलहाल यहाँ पे बच्चों की स्टडी का भी टाइम होता है और ये ना डेली का हो जाता है मतलब बच्चे हमेशा आ ही जाते हैं जब भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ कैमरे में तो चलिए वैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं जब ये पढ़ाई करते हैं तो मैं कैमरा ना लगाऊं पर मुझे काम भी उसी टाइम करना होता है ना तो मुझे लगाना पड़ता है तो देखिए सारा गाजर मैंने यहाँ पे ग्रेट कर दिया है उसके बाद इसको हम रख देंगे आ, मैंने कढ़ाई गरम कर दी है उसमें मस्त मैंने गाजर डाल दिया है और एक बार मेरी तरीके से बना के देखना गाजर का हलवा शायद आपको रेसिपी पसंद आएगी और यकीन मानिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बनेगा और सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ मैंने कढ़ाई में कुछ भी नहीं डाला खाली गाजर डाला और सबसे पहले मैं गाजर को इसी तरीके से कम से कम आधा घंटा तो पकाऊंगी ही जब तक कि इसका सारा पानी जो है वो सूख ना जाए तो तब तक हमें गाजर को पकाना है और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे ताकि हमारा गाजर का हलवा जो है वो जले ना गाजर मतलब जो इसका पानी अभी सूख रहा है और इसी में गाजर का हलवा बनते बनते ना मतलब पानी सुखाते सुखाते ही जो है ये आधा पक जाता है और उधर मैंने लेके आई थी मैं मावा तो बहुत से लोग मावा बोलते हैं बहुत से लोग खोया बोलते हैं बहुत से लोग पता नहीं और नाम भी लेते होंगे तो मावा मैंने लिया है एक पाव ही मैं लेके आई थी क्योंकि मावा बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है एक पाव मुझे अस्सी रुपये का मिला था तो मैं बस एक पाव ही लेके थी और एक किलो गाजर में मैंने एक पाव ही मावा डाला है और बाकी ड्राई फ्रूट वगैरह हम बाद में डालेंगे तो फिलहाल मैंने एक पाव मावा था जो कि मैंने निकाल दिया है अलग से और उधर मेरा गाजर का हलवा बन रहा है जब तक उसका पानी सूखेगा तब तक कुछ ना कुछ काम तो करने ही हैं तो यहाँ पे बच्चों को स्टडी भी कराती करा रही थी साथ साथ में क्योंकि बच्चों के ना एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं आजकल तो अगर इसको ना न्यू न्यू वर्ड उसके मैम जो लिखना सिखाती है तो वो उसके साथ पूरा बैठ के उसको कराना पड़ता है नहीं तो वो गलत लिख देता है वो कर नहीं पाता सही से तो इसलिए उसको फुल टाइम देना पड़ता है मुझे और यहाँ पे देखिए मेरा गाजियर ऑलमोस्ट पक चुका है आप देख सकते हैं उसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है तो यहाँ पे दूध था डेढ़ किलो के समथिंग दूध था ये तो मैंने डेढ़ किलो में से एक किलो के अनुमान तो दूध डाल ही दिया होगा एक किलो से थोड़ा सा कम रहा होगा या फिर एक किलो इतना दूध मैंने डाल दिया है मैंने कोई नाप तोल के दूध नहीं डाला है तो मैं आइडिया से ही डालूंगी तो एक किलो के, के समथिंग दूध यहाँ पे था तो बस मैंने दूध डाल के रख दिया है गाजर को वापस से पकने के लिए हमारा गाजर जब उसका पानी बिल्कुल सूख जाएगा तब जाकर हमें इसमें दूध ऐड करना है और दूध मेरा बॉइल था तो मैंने अभी उसको गर्म नहीं करा है ठंडा ही था अभी वो दूध क्योंकि दिन में उसको मैंने बॉइल करा था तो दोबारा मुझे पकाना ज़रूरी नहीं मतलब बॉइल करना ज़रूरी नहीं लगा तो मैंने नहीं करा है और देखें बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे और गाजर का हलवा अगर एक बार थोड़ा सा भी नीचे लग जाए ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता मतलब उसका टेस्ट और उसका कलर दोनों चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती है तो आपको कोशिश करनी है कि आप गाजर के हलवे को पूरा टाइम दो बीच बीच में चलाने का और बहुत टाइम लगता है गाजर का हलवा बनने में कम से कम एक डेढ़ घंटा मुझे लग गया होगा इसको पकाने में और अगर चूल्हे पे बनाते हैं तब सही रहता है क्योंकि इसमें गैस भी ना बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है पर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं बनाने का तो मैं गैस पे ही बना रही हूँ और शहरों में रह के हमको गैस पर ही बनाना पड़ता है चाहे गैस कम ख़त्म हो चाहे ज़्यादा ख़त्म हो और बस खाने का मन है तो बनाना तो पड़ेगा ही ना तो चलिए यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे साथ साथ में रोटियाँ भी बन रही हैं और रोटियाँ हस्बैंड नहीं खाएंगे मैं है और मेरे बच्चे हैं तो बस बच्चे भी एक या दो रोटी खाएंगे और मैं भी एक ही रोटी खाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा फिर एक कटोरी गाजर का हलवा हो जाएगा ना तो पेट फुल हो जाता है इतने में देखिए यहाँ पे रोटियां बन गई है और फिलहाल यहाँ पे देखिए हमारा दूध भी गाजर के हलवे ने पूरा पी लिया है मतलब दूध हमारा पूरा सूख चुका है ये देखिए और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है मावा जो मैं लेके आई थी तो मावा एक पाव था मैंने पूरा ही इसमें डाल दिया है मावा डाल के बस हम इसको चलाते रहेंगे कम से कम पाँच मिनट के लिए हमें इसको छोड़ना नहीं है मतलब चलाते चलाते ही बस हम इसको पकाएंगे और बस मावा डाल के इसको मैं ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी एक कटोरी मैंने निकाल दी है हस्बैंड के लिए उसको मैं गुड़ डाल के दोबारा बनाऊँगी सबसे पहले मैंने चीनी डाल दी है जितना आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं और गाजर का हलवा ऐसी चीज़ें ना थोड़ा मीठी ही अच्छी लगती हैं और चीनी डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है देसी घी जो हमारा बड़ा वाला चमचा आता है उससे भर के एक चम्मच पूरा डाला है मैंने और देसी घी डाल के बस इसको हम चलाएंगे दो से तीन मिनट और जब हमारी कढ़ाई बिल्कुल गाजर के हलवे को छोड़ देगी ना फिर हम जो है गैस को बंद कर देंगे और आप देख सकते हैं कि कढ़ाई बिल्कुल गाजर का हलवा छोड़ रही है ये देखिए बिल्कुल नहीं पकड़ रहा है नीचे बस मैं वही आपको चेक करा रही थी बस फिर हमने इसको कढ़ाई से उतार लिया है बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और फिर हमने इसमें डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट ड्राई फ्रूट आपको जो जो पसंद है आप सब कुछ डाल सकते हैं मैंने खाली बादाम को लंबे लंबे स्लाइसिस में काट लिया है बस मैंने बादाम डाले हैं और ये देखिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बनके बिल्कुल तैयार है यकीन मानिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा था और मुझे अपने बच्चों पे उम्मीद भी नहीं थी मेरे बच्चे खाएंगे पर मेरे बच्चों ने खुश होकर खाया है गाजर का हलवा और यहाँ पे देखिए हलवा वगैरह तो बन गया और खाया तो नहीं है अभी पर जिसमें ताम झाम मच जाता है किचन में ना वो देखने लायक होता है तो सबसे पहले तो इस किचन को ठीक ठाक करूँगी जब तक किचन ठीक नहीं होगा ना तब तक चैन नहीं आएगा ना तो खाना खाया जाएगा तो देखिए यहाँ पे किचन को साफ सुथरा करते हैं क्योंकि साढ़े आठ बजे से पहले पहले मुझे अपना किचन का काम निपटाना होता है उसके बाद मुझे देखना होता है तारक मेहता तो देखिए यहाँ पर हस्बैंड के लिए मैंने गुड़ डाल के बना दिया था हस्बैंड को दे दिया है गाजर का हलवा और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया गुड़ डाल के भी उनको पसंद आया मैंने तो टेस्ट नहीं करा गुड़ वाला पर उनको काफ़ी पसंद आया बस यहाँ पे हम खा रहे हैं और मैं यहाँ पे हस्बैंड को बोल रही थी कि एक चम्मच तो टेस्ट कर लो यार चीनी डाल चीनी वाला कैसा हो रहा है पर उन्होंने बिल्कुल मना बोल दिया कि मैं नहीं खाऊँगा चीनी वाला तो हम लोग खा रहे हैं गाजर का हलवा और यकीन मानिए मेरे बच्चे बिट्टू बहुत मतलब खुश हो गई थी गाजर का हलवा खा के उसको बहुत पसंद आया और आई होप आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आती है तो बताना जरूर मुझे कमेंट करके और फिलहाल आज की वीडियो को भी यहीं पर एंड करूँगी आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गुड नाइट